सीबीएसई प्राइवेट कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट कैंडिडेट्स 2021। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप जिस चीज का लास्ट 4 या 5 मंथ से वेट कर रहे हैं कि कब हमारे साथ जस्टिस होगा, कब हम लोग पास हो जाएंगे और कब हम अच्छे नंबर के साथ अपना रिजल्ट हासिल करेंगे, हम लोगों को अच्छे से रिजल्ट मिल जाएगा और हम इन सारे प्रॉब्लम से कब निकलेंगे, तो आप लोगों के लिए एनटीए की तरफ से बहुत बड़ी जीत और बहुत बड़ी खुशखबरी मैं इस वीडियो में आप सबको दूंगा। जो चीज आप लोग हमेशा से ऊपर वाले से दुआएं कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि आप लोग निकल जाए इस प्रॉब्लम से, कंपार्टमेंट हो, प्राइवेट हो, चाहे पेपर अच्छे हुए हों या ना हुए हों, हम लोगों को किसी भी हाल में एडमिशंस वगैरह मिल जाए, आगे के हमारी पढ़ाई शुरुआत हो जाए, तो ये सब चीज़ों से आप सबका प्रॉब्लम जो है मेरे प्यारे दोस्तों, उन चीज़ों का सलूशन एनटीए ने एक बहुत अच्छा सलूशन और खुशखबरी आप सबके लिए दिया है। जैसा कि आप सबका डिमांड है प्रोविजनल एडमिशन और आप लोग चाहते हैं कि नीट का एग्जाम आपके साथ क्लैश ना करे, आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नीट के एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं और तो और आगे के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हैं लेकिन सिचुएशन आपको अलाउ कर नहीं रहा है। साथ ही साथ आप सबको पता है कि COVID-19 का थर्ड वेव बिगिन हो चुका है केरल में, कई जगहों पे फिर से इंक्रीज होने लगे हैं केसेस और फिर से मैटर ऑफलाइन को बैन करने का आ रहा है और ऑनलाइन को चलाने की बात फिर से चलने लगी है। इन सब सिचुएशन में जो सबसे बड़ा मैटर मैं आप सबको बताना चाहूंगा, उसका प्रॉफिट हम सबको मिलेगा, आपको मिलेगा और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट जितने स्टूडेंट हैं सबको मिलना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जहां पर सारे एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए, यहां तक कि यहां पर ओपन स्कूलिंग चाहे हो, NIOS हो, सबने एग्जाम कैंसिल किया और सबको अच्छा मार्क्स दिया, तो आपके साथ इनजस्टिस कैसे कोई होने दे सकता है। तो इस छोटी सी सेकंड्स की वीडियो में सारा आप लोगों को अपडेट देता हूं। हेलो दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपनी इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और कंप्लीट इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपके लिए गुड न्यूज, डाउटनट लेकर आया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जहां पर टॉप इंग्लिश टीचर्स आपको इंग्लिश सिखाएंगे, वो भी हिंदी में। यही नहीं, हर बच्चा इंग्लिश बोलना सीख सकता है। साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, कोर्स के कंप्लीट के बाद आपको मिलेगी सर्टिफिकेट। अपना सपना पूरा करो इंग्लिश बोलने का, जहां पर बेस्ट क्वालिटी मिल रही है डाउटनट की तरफ से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड दी ऐप नाउ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप YouTube पे कहीं भी जाकर ये वीडियो आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से एक बहुत ही बात अच्छी कही है आज के दिन। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों का केस चल रहा है नीट एग्जाम को पोस्टपोन करने का, डेट को शिफ्ट करने को लेकर, आपके एग्जाम के डेट को शिफ्ट करने को लेकर और आपके लिए प्रोविजनल एडमिशन को लेकर, तो जहां पर दो सिचुएशन ऐसे आ गई हैं कि मान के चलिए आपका अगर CBSE आपका डेट शिफ्ट नहीं कर सकती तो ऑब्वियस सी बात है उस चीज को वो लोग को कैंसिल करना पड़ेगा, दो सब्जेक्ट के एग्जाम को कैंसिल करना पड़ेगा। तो जब वो लोग दो सब्जेक्ट के एग्जाम को कैंसिल करेंगे तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिन्होंने अभी तक पेपर दे दिया, SST दे दिया, इंग्लिश दे दिया, केमिस्ट्री दे दिया, इन सारे पेपर्स के जो एग्जाम हो चुके हैं इन्हें भी कैंसल्ड कर देना होगा और आपको मार्किंग देना होगा। ऐसे में इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है कैंसिल का, लेकिन शिफ्टिंग का ज्यादा है कि आपके डेट शीट को शिफ्ट कर दिया जाए। पर ये आपका मैटर नहीं है, आपका मैटर है कि आप पास हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कुछ किया जाए कि आप लोग को जस्टिस हो, आप लोग पास हो। तो NTA ने इस चीज को कंफर्म करके कहा है कि स्टूडेंट्स के साथ बस हियरिंग आ जाएगी, बट NTA ने फुल सपोर्ट दिया है आप लोगों को कि स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस होना चाहिए, उन लोगों को टाइम पे एडमिशन मिलना चाहिए, सब पास होने चाहिए और सबसे बड़ी बात आपको एडमिशन मिलना चाहिए। तो ये चीज को कंफर्म कर दिया है कि विदाउट रिजल्ट, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, विदाउट रिजल्ट आप नीट के एग्जाम में बैठ सकते हो, मेडिकल के एग्जाम में बैठ सकते हो, आप एडमिशन लेना चाहते हो UGC में तो आप एडमिशन ले सकते हो डायरेक्ट, आपको और ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट आएगा तो मैं सबमिट करूंगा तब जाके मेरे को एडमिशन मिलेगा। ये सारा झंझट आप दूर कर दो क्योंकि NTA ने कंफर्म कर दिया है, अब बस सुप्रीम कोर्ट को कहना है। लेकिन जब NTA ने ये सारी चीजें कह दी हैं तो सुप्रीम कोर्ट को ये बातें बतानी होंगी और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीजों में आप सबका फेवर कर रही है और CBSE ने भी इस चीज को दावा किया है कि एडमिशन को लेकर बच्चे बिल्कुल भी घबराए नहीं, अगर हम एग्जाम ले रहे हैं तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं उनके एडमिशन को लेकर भी। तो ये सारी टेंशन आप दूर कर दीजिए, बिना मार्कशीट का आपका एडमिशन जल्द मिल जाएगा। और जो लोग पास होने के लिए टेंशन कर रहे हैं कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे, क्या होगा ऐसा, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि लिनियंट चेकिंग होगा, आप इन सब चीजों को इग्नोर करें, बस रिलैक्स रहे, ऊपर वाले से दुआएं करें, हमारे अपडेट सुनते रहें और बहुत जल्द सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा जैसा पहले था आपके लाइफ में। तो मिलते हैं अगली अपडेट में, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, थैंक यू सो मच।